ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 7। तो आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक, एलसी ऑसिलेशन। किताब उठा के एलसी ऑसिलेशन पढ़ो तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। क्या ऑसिलेट कर रहा है, क्या इक्वेशन दी है, ये एनर्जी को क्या हो रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज के वीडियो में 100% एलसी ऑसिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसकी इक्वेशन समझाएंगे, न्यूमेरिकल दिखाएंगे और इसका फील भी आपको कराएंगे। ठीक है, बस आधा एक घंटा दुनिया को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, एक मैं हूं और एक तू, ये समझ लो। ठीक है, निकालो कॉपी और पेन, एकदम अटेंशन में आ जाओ, मजा आने वाला। निकालो कॉपी पेन। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला। निकाल लिया कॉपी पेन, चलो हेडिंग लगाते हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन, तो आज हमको ऐसा सर्किट पढ़ना है जिसमें एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा, है ना। वैसे प्योरली ऐसा सर्किट बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आओ मान लेते हैं कि यहां एक कैपेसिटर है और इससे एक इंडक्टर लगा हुआ है। यहां पे एक की भी लगा लेते हैं, एक की लगा ली। ठीक है, ये कैपेसिटर सी और ये इंडक्टर एल। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्योर एलसी सर्किट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा ही होगा, या तो इन वायर्स का रेजिस्टेंस होगा, और उसका ना भी हुआ तो इंडक्टर के कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको प्योर एलसी सर्किट मिले। हाँ, आइडियली जो किताब में बना, आइडियली हम मान लेंगे इट इज प्योर एलसी। आज के हम पूरे डिस्कशन में मानेंगे कि इट इज एन आइडियल प्योर एलसी सर्किट। क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी और आगे चर्चा होगी। पहले और समझते हैं कहानी क्या है। अब ये जो कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज कर लिया है, इसे बैटरी लगा इसको चार्ज करके, मस्त चार्ज है। इस प्लेट पे मान लो प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इस पे माइनस क्यू नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव। अब दोनों को आपने तार से कनेक्ट कर दिया, है ना, स्विच को आप क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज किया आपने, क्या किया, दोनों प्लेट को तार से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा भाई, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव। जैसे ही कनेक्ट करोगे क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होंगे भाई, चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा। कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल कर यहां पे जाके चिपकेगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल कर यहां पे जाके चिपकेगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा इस प्लेट पे पॉजिटिव कम हो जाएगा, और यहां पे पॉजिटिव चिपकेगा तो यहां पे नेगेटिव कम हो जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक दोनों प्लेट पे चार्ज जीरो ना हो जाए। अरे बड़ा सिंपल है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, करंट फ्लो करेगा हायर से लोअर की तरफ, और करंट मतलब क्या, चार्ज फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है, जैसे समझना हो समझो, बहुत छोटी सी बात है। ऐसे समझ लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां आकर चिपक जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां आकर चिपक जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नेगेटिव चार्ज कम होगा, यहां इलेक्ट्रॉन चिपकेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम। तो ओवरऑल होगा क्या कि ऐसे समझ लो या तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा, ऐसे समझ लो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा, या मान लो यहां से करंट इधर जा रहा। भाई चार्ज का फ्लो मतलब करंट का, ओवरऑल कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसका क्या फंक्शन है, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, पहले जरा ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये कैपेसिटर है और इसको हमने सिंपल तार से ऐसे जोड़ दिया। पाप है ये काम, पाप करना मत, ये दिस इज पाप। प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, आपने क्या किया, सीधा इसको वायर से जोड़ दिया। भाई बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा, एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे, एक प्लेट लो पोटेंशियल पे आपने जोड़ दिया, क्या होगा, बहुत हाई करंट फ्लो करेगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से रुर रुर रुर। यहां से बहुत तेजी से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, यानी करंट, करंट मतलब क्या, dQ/dt, यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके यहां चिपकता जाएगा बहुत तेजी से। बहुत तेजी से क्यों होगा, क्योंकि वायर में ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है, तो यहां पर क्या होगा, जो आई होगा दैट विल बी वेरी वेरी हाई। अचानक से ये तार लिया ऐसे जोड़ा, अचानक से बहुत हाई करंट मिला। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होगा, प्लेट्स पे चार्ज जीरो जीरो हो जाएगा। भाई जितना चार्ज ट्रांसफर होना था हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलता जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम, यहाँ पे पॉजिटिव चिपकेगा, यहाँ नेगेटिव कम, होते होते चार्ज जीरो। अब इसके बाद चार्ज ट्रांसफर बंद,
भाई चार्ज ट्रांसफर के लिए या करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो सडनली करंट ड्रॉप करके जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, सडनली करंट बहुत हाई हुआ और उसके बाद जैसे ही चार्ज जीरो हुआ सडनली करंट जीरो, ये कितना हाई होगा, ये इनफिनिट हाई होगा, बहुत हाई करंट और सडनली करंट जीरो। ये होता अगर इस सर्किट में इंडक्टर रेजिस्टर कुछ ना होता। अब सोचो यहां क्या डिफरेंस आएगा भाई, इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर का काम होता है जो भी हो रहा है उसे अपोज करो, है ना, लेंज लॉ में पढ़ा था ना, इंडक्टर क्या करता है कि इसके अंदर जो भी चेंज करोगे उसको ये अपोज करना चाहेगा। अब सुनो, इसको मिटा दूं मैं, इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, बस फील दे रहे थे आपको, ठीक है। यानी ओवरऑल होगा क्या, कैपेसिटर बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होते ही करंट जीरो हो जाएगा अचानक से। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, ये बोलेगा हम डिस्चार्ज होना चाहते हैं, इंडक्टर बोलेगा ठीक है हो जाओ, कहेगा हम बहुत हैवी करंट फ्लो कराएंगे, इंडक्टर कहेगा नहीं ये नहीं होगा, हम चेंज को अपोज करते हैं। अभी मान लो हमने जब ये स्विच क्लोज किया तब टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो है, इस टाइम इस सर्किट में करंट कितना है, जीरो। अभी तो करंट जीरो, जैसे ही क्लोज किया अब करंट बढ़ना चाहेगा, करंट जैसे ही बढ़ना चाहेगा इंडक्टर उसको अपोज करेगा और करंट को धीमे धीमे बढ़ने पे मजबूर करेगा, एक बार में नहीं बढ़ सकता, तुरंत डिस्चार्ज नहीं हो सकता, धीमे धीमे बढ़ो। एक डायग्राम बनाते हैं, अगला ध्यान से समझो, मान लो ये वही कैपेसिटर है, ठीक है, कुछ समय बीत गया है, है ना, कुछ समय मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स बीत गए हैं, वही कैपेसिटर वही इंडक्टर। अब क्या हुआ, इस प्लेट से कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया प्लस क्यू, इससे कुछ नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया माइनस क्यू, ठीक है। यहां से यहां क्या हुआ, चार्ज अपना डिक्रीज किया और यहां से यहां क्या होगा, करंट अपना इंक्रीज करेगा, अपना या सर्किट का करंट ऐसे फ्लो करेगा। सर सडनली करंट क्यों नहीं हाई हुआ, क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर चेंज नहीं होने देता। जरा समझो, जैसे ही करंट इस तरफ बहुत तेजी से जाना चाहेगा इंडक्टर एक बैक ईएमएफ बना देता है, पढ़ा है कि नहीं, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एक बैक ईएमएफ बना देता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराता है जो कि इस करंट को अपोज करता है। यानी इंडक्टर की पोलैरिटी की बात करें तो इंडक्टर क्या करेगा, इस तरफ और इस तरफ माइनस जनरेट कर लेगा ताकि इस करंट को वो अपोज करे और सडनली उसको बहुत इनफाइनाइट की तरफ ना जाने दे। यही काम है इंडक्टर का इस सर्किट में। इंडक्टर ना होता तो करंट बहुत हाई हो जाता, पर इंडक्टर के होने से उसने कहा ठीक है बढ़ो तुम पर धीमे धीमे, हम अपोज करेंगे चेंज को, हम अपोज करेंगे चेंज को, जो भी चेंज हो रहा है उसको हम अपोज करेंगे। करंट बढ़ रहा है तो हम बढ़ने नहीं देंगे, घट रहा है तो हम घटने भी नहीं देंगे, जो होना धीमे धीमे। ये प्लस माइनस लेके इधर एक इंड्यूस करंट आई डैश बना देगा जिसको दिखाने की सर्किट में जरूरत नहीं है, ओवरऑल जो करंट है वो आई है, नेट करंट। अब क्या हुआ, समय बीता, चार्ज घटते, चार्ज कितना हो गया, जीरो और जीरो, चार्ज घटते जीरो और करंट बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट पे पहुंच गया। भाई करंट को तो बढ़ना था डिस्चार्ज होते वक्त, ये तो इंडक्टर था कि ऐसे तीन स्टेप पे आपको बनानी पड़ी, है ना, मतलब टाइम लगा थोड़ा, ये रोक के रख रहा था धीमे इंड्यूस करंट, करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ते आई नॉट पे पहुंच गया और चार्ज घटते जीरो हो गया। अब सुन, अब भाई चार्ज जीरो होते ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाना चाहिए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कहेगा हम सडनली जीरो हो जाते हैं, भाई अब हम करंट फ्लो बंद करते हैं, जहां तक चार्ज था तब तक करंट फ्लो कर रहा था, चार्ज घटते जीरो हुआ, करंट कहता चलो अब हम जीरो हो जाए, पर इंडक्टर को यह भी बर्दाश्त नहीं, वो कहेगा हम कोई भी चेंज सडनली नहीं होने देंगे। अब करंट अगर फॉल करेगा तो इंडक्टर उसको सपोर्ट करेगा। भाई इंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था, अपोजेस आ ग्रोइंग करंट एंड सपोर्ट्स आ डाइंग करंट, फिर से बोल रहा हूं, अपोजेस आ ग्रोइंग करंट सपोर्ट्स आ डाइंग करंट। अभी देखो करंट ग्रोइंग था, बढ़ रहा था तो उसको ये अपोज कर रहे थे, अब ये करंट मरना चाहता है, डाइंग करंट है तो उसको ये सपोर्ट करेंगे,
तुम कम हो रहे हो, नहीं हम तुमको संभालेंगे, तुम बढ़ रहे हो, हम बढ़ने नहीं देंगे, दोनों तरफ अपोज। तो करंट जब ये गिरना चाहा तो सडनली जीरो नहीं हुआ, धीमे धीमे जाएगा, ठीक है। यानी ये करंट इसने कहा कि एक बार में जीरो नहीं होने देंगे, चलो आई नॉट से चलो आई पे पहुंच जाओ, ठीक। क्यों? क्योंकि अब ये करंट को सपोर्ट कर रहे हैं, अब इनका जो बैक ईएमएफ बनेगा ऐसा बनेगा, आई डैश ऐसे निकलेगा, पिछली बार आई डैश ऐसे निकला था। ग्रोइंग करंट को अपोज करो, डाइंग करंट को सपोर्ट करो, समझ में आया? यानी इस बार अगर इंडक्टर की पोलैरिटी लिखना चाहो तो इधर प्लस इधर माइनस, अब ये इस करंट को सपोर्ट करने लगा। अब इसको एनर्जी में भी समझाएंगे, इक्वेशन से भी समझाएंगे, अभी हर चीज का प्रूफ भी आएगा, पहले फील तो लो ये कैपेसिटर। अब एक बात हुई, करंट अगर सडनली जीरो हो जाता तो सही था, सब मामला सही था, करंट जीरो नहीं हुआ, करंट धीमे धीमे जीरो हो रहा है, करंट अभी भी फ्लो कर रहा है। करंट मतलब क्या? मतलब चार्ज, मतलब यहां से अभी भी चार्ज निकलकर इधर जा रहा है। ओए होए, कैपेसिटर के पास जितना चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया, बोला कहानी खत्म करो। इंडक्टर ने कहा नहीं, कहानी अभी चलेगी, हम धीमे धीमे करंट को जीरो करेंगे। और अगर अभी भी करंट है, यानी अभी भी चार्ज यहां से निकलकर यहां चिपक रहा होगा, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलकर यहां गया, यानी इस प्लेट पे धीमे धीमे प्लस क्यू डेवलप हुआ और इस पे माइनस क्यू। अब कहानी क्या हुई? अब कहानी यह है कि करंट डिक्रीज कर रहा और चार्ज इंक्रीज कर रहा, बात समझे? कैपेसिटर डिस्चार्ज होके मस्त ऐसे सो गया था, हो गया काम। इंडक्टर ने कहा मेरी बारी, हमें जो तुमने एनर्जी स्टोर करा दी वो हम क्या करें? हम वापस करंट फ्लो कराएंगे, एनर्जी की खेल है ये सारा, जो ऑसिलेशन है वो एनर्जी का हो रहा है, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इंडक्टर में कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई थी करंट की वजह से, तो इसने कहा अभी हम करंट फ्लो करेंगे, और जब ये करंट फ्लो कराएगा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज तोड़ के यहां चिपकाएगा, यानी चार्ज वापस ग्रो होने लगा, ऑसिलेशन गड़गड़ यही तो होगा। देखो फिर क्या हुआ, समय बीता, मैं समय हूं, समय का चक्र बीता और वो आज भी नहीं मानी डेट पे जाने को। हाँ, तो समय का चक्र बीता और क्या हुआ, करंट डिक्रीज करता फाइनली जीरो हो गया, चार्ज बढ़ता, चार्ज बढ़ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है धीमे में, चार्ज बढ़ता यहां माइनस क्यू नॉट, यहां प्लस क्यू नॉट, ठीक है। अब इंडक्टर ने कहा ठीक, अब काम खत्म, चलो सोते हैं। अब इसने कहा कहां सोगे, हम पे चार्ज दे गए हो, अब हम बदला लेंगे, ये चार्ज हो गया यार, अब ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अब ये कहेगा भाई साहब अब फिर करंट फ्लो कराना पड़ेगा, कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट, और ये कहेगा बहुत हैवी करंट फ्लो कराएंगे हम, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये जा यहां से हैवी करंट पर। इंडक्टर कहेगा ठीक है करा लो, पर धीमे धीमे, क्योंकि हम हर चेंज को अपोज करेंगे। यानी अगले डायग्राम में क्या होगा, अगले डायग्राम में क्या होगा बताओ, खुद से बनाओ पॉज करके, चलो देखें आया कि नहीं, बनाओ यार पॉज करके सीखो, बताओ क्या होगा। अब करंट यहां से यहां फ्लो करेगा, तो एक करंट आया आई, इंडक्टर उसको सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, करंट कितना है जीरो, यानी करंट क्या कर रहा है ग्रो, ग्रोइंग करंट को ये क्या करते हैं अपोज, यानी इनकी पोलैरिटी ऐसी होगी, इस तरफ से करंट निकालेंगे अपना आई डैश, अपोज करेंगे यानी इधर प्लस इधर माइनस। चार्ज के बारे में क्या कहना है, डिस्चार्ज हो रहा है भाई, इसके बाद पॉजिटिव से नहीं, डिस्चार्ज हो रहा है, यहां से यहां चार्ज फ्लो कर रहा है तभी तो करंट आ रहा, यानी चार्ज कम हो जाएगा, तो इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, यानी चार्ज फिर से डिक्रीज करने लगा और करंट इंक्रीज करने, घटते 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 चार्ज हो गया जीरो, घटते 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 चार्ज हो गया जीरो, और चार्ज हो गया जीरो और करंट बढ़ते 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 अपोजिट डायरेक्शन में हो गया मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम। कैपेसिटर ने कहा हा, जान को फुर्सत, चार्ज खत्म। इंडक्टर ने कहा ना, अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई, अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई। इंडक्टर में ना करंट एनर्जी पैदा करता है, ठीक है, अगर एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, अब धीमे धीमे समझो, एनर्जी इन कैपेसिटर होगी Q स्क्वायर बाई 2C, और एनर्जी इन इंडक्टर होती है हाफ L I स्क्वायर। अब थोड़ा और समझ में आ रहा होगा,
कि इस टाइम एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है, कैपेसिटर की एनर्जी जीरो। अब करंट फॉल करना चाहेगा भाई, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, सारी बातें होती में आएगी। अब करंट फॉल करना चाहेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट क्या, हम कैसे फ्लो करें बिना पोटेंशियल डिफरेंस के? तो ये भाई साहब अपनी एनर्जी के दम पर करंट को अभी भी फ्लो कराएंगे, जैसे कि यहां करंट जीरो होना चाहता था, पर इंडक्टर ने कहा नहीं धीमे धीमे हम एनर्जी देंगे। तो अब इंडक्टर कहेगा कि हम सडन कोई चेंज हमें पसंद नहीं है, जो भी करना है धीमे धीमे करो। तो करंट से कहेगा हम आई नॉट से तुम्हें जीरो नहीं होने देंगे, पहले आई नॉट से कहां जाओ, आई की तरफ धीमे धीमे घटो, यानी करंट फिर से डिक्रीज करने लगा। पर जब करंट फ्लो करेगा, मतलब चार्ज यहां से उठा के यहां चिपकाता जाएगा, चार्ज यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से चार्ज गया यानी इस पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, यहां से चार्ज निकल कर यहां चिपक रहा है, ये रहा करंट, क्या कर रहा, डिक्रीज, और चार्ज फिर से इंक्रीज, ऑसिलेशन हो रहा। अच्छा, ये चार्ज कैसा है, मरता हुआ है, करंट कैसा है, मरता हुआ, मरते हुए करंट को सपोर्ट, तो इसी के डायरेक्शन में अपनी बैटरी बना लो, यहां से करंट निकल के सपोर्ट, करंट घटता 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 वापस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो करंट फिर से जीरो हो गया। और चार्ज बढ़ता 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 यहां पे फिर से प्लस क्यू नॉट, यहां पे माइनस क्यू नॉट, ये सी, ये एल। यार ध्यान से देखो, लास्ट वाली फिगर पहली वाली फिगर है क्या? जहां से निकले थे वापस वहां पहुंच गए, एक साइकिल कंप्लीट हुई, इसलिए मैंने पूरी साइकिल का डायग्राम बताया। और ये है फील एलसी ऑसिलेशन का, बाकी इक्वेशन तो यार दो सेकंड में हम डिराइव कर ही देंगे, अभी एसएचएम की इक्वेशन है, ये रहा फील इसका, छापे इसको, छापे और सोच सोच के, मन में हजारों सवाल है, सबका जवाब है फिजिक्स में, पर समय के साथ, समय के साथ छापे पहले इसको, पॉज करके नोट करें, फिर बातें करते हैं इस पे, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए मैं पांच तक गिनता हूं, एक दो तीन चार पांच, स्टार्ट करूं, पॉज करके आप नोट कर लो। ओके, अब देखो ऑसिलेशन किस किस चीज का हो रहा है, पहला चीज एनर्जी, अभी एनर्जी किसके पास है, इसके पास, करंट जीरो है, करंट जीरो है तो इंडक्टर में एनर्जी जीरो, अभी जितनी भी एनर्जी है वो कैपेसिटर के पास है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। फिर कहानी आगे बढ़ी, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो करंट पैदा हुआ, डिस्चार्ज हुआ तो यहां चार्ज कम हो गया और सर्किट में करंट भी आ गया। अब एनर्जी किसके पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी देखो धीमे धीमे ऑसिलेट करने जा रही है, यहां से इसकी तरफ ट्रांसफर हो रही, होते होते इस पे चार्ज जीरो हुआ और बढ़ते बढ़ते करंट मैक्सिमम हो गया। करंट मैक्सिमम होते ही एनर्जी इंडक्टर में मैक्सिमम और कैपेसिटर में इस समय एनर्जी जीरो, यानी एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई, एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई। फिर होते 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 जरा ये डायग्राम देखो, करंट फिर से जीरो, इंडक्टर में एनर्जी जीरो और यहां चार्ज मैक्सिमम, कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी वापस यहां। फिर होते 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 यहां देखो, होते 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 यहां देखो, फिर से ये डिस्चार्ज हो गया, फिर से ये डिस्चार्ज हो गया, यहां एनर्जी जीरो, एनर्जी कहां चली गई, इंडक्टर में। फिर होते होते एनर्जी इसमें चली गई, इसमें एनर्जी जीरो। तो क्या ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी, कभी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर में बसती है, और कभी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर में बसती है। और कभी एनर्जी दोनों के बीच में रहती है। बात समझ में आई, क्या ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी। बहुत आसान कहानी है, सारी एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर करके रखी थी, यहां एनर्जी किसके पास है, सारी कैपेसिटर के पास। इस टाइम इस पूरे सर्किट की एनर्जी लिखूं मैं तो इसकी एनर्जी होगी, बोलो, इस पूरे सर्किट की एनर्जी में लिखना चाहूं तो इस टाइम एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास, Q not square by 2C. इसके पास कोई एनर्जी नहीं, करंट नहीं है। क्या हुआ, आपने कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया, करंट अचानक से बहुत बढ़ना चाहता है, इंडक्टर ने कहा नहीं,
हम ग्रोइंग करंट को अपोज करेंगे। तो इन्होंने अपनी एक बैटरी बनाई और इधर एक इंड्यूस करंट निकाला जिसको हम दिखा नहीं रहे, ओवरऑल करंट यही बचा। तो ये इसको अपोज कर रहे हैं तो करंट धीमे धीमे बढ़ पाएगा। अच्छा, करंट धीमे धीमे बढ़ रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्ज हो रहे हैं मतलब इसकी एनर्जी जा रही, और करंट बन रहा मतलब इसकी एनर्जी आ रही। यानी यहां पे अगर आप एनर्जी का टर्म लिखना चाहो तो लिखोगे क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ li स्क्वायर। यहां दोनों में एनर्जी है, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ li स्क्वायर। होते होते चार्ज हो गया जीरो और करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम धीमे धीमे हुआ। अब इसकी एनर्जी हो गई जीरो, एनर्जी किसके पास है, हाफ li नॉट स्क्वायर। अगर ये प्योर एलसी सर्किट है, इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व्ड भी रहेगी। यानी यही एनर्जी यहां पहुंच गई। फिर क्या हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हुआ, करंट कहता चलो जीरो हो जाए। इंडक्टर ने कहा नहीं, सडन जीरो हमें पसंद नहीं, हम चेंज का अपोज करेंगे। अब तुम मर रहे हो तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, ना हम तुम्हें जीरो होने देंगे ना हम तुम्हें मैक्सिमम होने देंगे, तुरंत धीमे धीमे। तो इसने कहा चलो अब इसको सपोर्ट करते हैं, बैटरी का डायरेक्शन ये, करंट इस तरह। यानी करंट धीमे धीमे घटता हुआ आई पे पहुंचा, और क्योंकि करंट है सर्किट में, क्योंकि करंट है सर्किट में तो अभी भी डिस्चार्जिंग चल रही है, ऑल्दो वो जीरो हो गया पर करंट बचा है, मतलब यहां से अभी भी पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है ना। तो वैसे समझ लो डिस्चार्जिंग नहीं, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, सॉरी। अब इसकी एनर्जी इसको चार्ज कर रही है, एनर्जी किसके पास है बोलो, इंडक्टर के पास। इंडक्टर क्या कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है, अपनी एनर्जी खराब करके इसको चार्ज कर रहा है, और चार्ज एक अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, पहले इस पे प्लस था, इस पे माइनस है ना। अब धीमे धीमे चार्ज डेवलप होगा। यहां पे एनर्जी की इक्वेशन लिखना चाहो तो मैं कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, यही वाली बनेगी। यहां पे एनर्जी बोलो क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ li स्क्वायर, दोनों में एनर्जी है, एनर्जी धीमे धीमे यहां जा रही। होते 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 करंट जीरो हो गया धीमे धीमे। इंडक्टर में एनर्जी जीरो, सारी मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर से एनर्जी कितनी हो गई, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये मैं साथ में बोल रहा हूं क्योंकि बहुत आइडियल कंडीशन है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एनर्जी रेडिएट भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। खैर, अब क्या हुआ, करंट जीरो हो गया, ये चैन से बैठ गया, बट इनको दिक्कत है, कह रहे हम फिर चार्ज होगा। अरे भैया हमें डिस्चार्ज करो, तार से जुड़े तो वापस करंट यहां से यहां फ्लो करना चाहता है बहुत ज्यादा, पर इंडक्टर क्या कहेगा, धीमे धीमे। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ये डिस्चार्ज हुए, यहां चार्ज कम हुआ, यहां चार्ज कम हुआ, करंट आई बन गया। इस टाइम फिर से एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं लिखूं तो फिर से लिखूंगा क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ li स्क्वायर, दोनों के पास एनर्जी है। अब देखो इसकी एनर्जी से करंट बन गया, इसकी एनर्जी इसमें जाने वाली है। होते होते करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया, कैपेसिटर पूरा फिर से डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर की सारी एनर्जी फिर इंडक्टर में चली आई, एनर्जी हो गई हाफ एल आई नॉट का। देखो एनर्जी ऑसिलेट कर रही थी, पहले यहां थी फिर यहां पहुंची, फिर क्या हुआ, फिर यहां पे आ गई पूरी इसके पास, फिर क्या हुआ, फिर यहां पे आ गई। अब करंट मैक्सिमम है और पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, करंट कहता है चलो क्या हो जाए, चलो क्या हो जाए, किसी डिस्को में जाए और गुम हो जाए, कहता चलो जीरो हो जाए। नारे पगले, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जीरो हो गए, धीमे धीमे। तो करंट ने कहा चलो धीमे से आई बनते हैं। अब जब करंट फ्लो करता रहेगा तो चार्ज अभी भी निकलता रहेगा। इसको इनर्शिया से भी समझ सकते कि ये डिस्चार्ज होता 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 जीरो हुआ, रुक नहीं पाया, है ना, वही साइकिल का ब्रेक लगाया, थोड़ा आगे निकल गया, रुक नहीं पाया और डिस्चार्जिंग चलती रह गई, क्योंकि करंट तुरंत जीरो नहीं। अब डिस्चार्जिंग चलती रही, या वैसे समझ लो चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग क्या चार्जिंग बोलेंगे, ये ऑलरेडी अनचार्ज है, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला, इस पे चिपका, इस पे नेगेटिव चार्ज, चार्ज फिर से बढ़ रहा है, करंट कम होना चाह रहा है, करंट कम होना चाह रहा है, इंडक्टर क्या चलो उनको सपोर्ट करते हैं, धीमे धीमे होना जीरो, धीमे धीमे होना जीरो, सही बात। और करंट कम होते होते जीरो हो गया। यहां पे एनर्जी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, दोनों में है क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ li स्क्वायर, और यहां पे वापस एनर्जी किसमें चली गई, कैपेसिटर में, e इज इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो जो एनर्जी आपको इंडक्टर में मिली थी वापस कैपेसिटर में। सो व्हाट इज ऑसिलेटिंग, कॉन्सेप्ट मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज ऑसिलेटिंग नाउ, एनर्जी, एनर्जी इज ऑसिलेट, लिखो 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 लिखो, नोट्स में लिखो, ऐसे तो हवा में बातें होंगी कोई फायदा नहीं, लिखो, एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड यहां पे क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। समझ रहे फिर एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन आप टोटल एनर्जी को बोल सकते हो कि दोनों केस में, सारे केस में क्या है, सेम है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अरे मैं प्रूफ भी दूंगा, एक छोटा सा सवाल है, छाप लो फिर पूछते हैं, छाप लो छाप लो, एक बढ़िया सवाल पूछने वाले हैं, छापो 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 रे। ओए होए होए सर एलसी ऑसिलेशन, हाय हाय मजा आ गया सर, बस मेयोनीज की चटनी दे दो, मजा आ रहा है इसको, इसे मोमोज की तरह खा जाऊं मैं। हो गया, पास करके छापो रे, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब देखो छाप लिया, एक दो तीन चार, बंद करो ये अत्याचार। हो गया, क्या बताने वाला था मैं, छाप लिया छाप लिया छाप लिया। हाँ अब देखो, एक सवाल तुम्हारे मन में आना चाहिए, क्या कि सर जब चार्ज जीरो हो रहा है तो करंट मैक्सिमम क्यों हो रहा है? ये तो ठीक है सर, आपने बताया चार्ज होते होते जीरो हुआ, उस टाइम करंट होते होते मैक्सिमम ही क्यों हुआ? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि एनर्जी यहां से यहां आ गई, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है मतलब चार्ज मैक्सिमम, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है मतलब करंट मैक्सिमम। भाई इसकी एनर्जी के एक्सप्रेशन में करंट है, इसकी एनर्जी के एक्सप्रेशन में चार्ज है, अगर सारी एनर्जी इसके पास है तो चार्ज को ज्यादा होना चाहिए, सारी एनर्जी जब इसके पास चली गई तो करंट को ज्यादा होना चाहिए, है ना? ये तो सब्जी वाले वाला एक्सप्रेशन है, ऐसा सब्जी वाले समझाएंगे, ऑटो वाले भैया समझाएंगे, हम तो इसको इक्वेशन से सिखाएंगे आपको, अभी इक्वेशन से दिखा देंगे कि जब चार्ज जीरो होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, और जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगा, अभी इक्वेशन से प्रूफ करेंगे ये बात। अभी तो मैंने फील दिया है, हमको पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैंने समझा दिया, फील छाप लो, इससे ज्यादा एलसी ऑसिलेशन में फील नहीं मिलेगा। एक मिनट, व्हाट इज ऑसिलेटिंग एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, बट समथिंग एल्स इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग, व्हाट? चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्या चीज? चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अभी लिखवाते हैं कैपेसिटर, समझो इस प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू नॉट मैक्सिमम है, ऐसे प्लस क्यू नॉट, ये मान लो अपनी बेस लाइन, ये प्लस क्यू नॉट, चार्ज क्या हुआ, घटा, घटते घटते जीरो। फिर देखो इस प्लेट को उठाओ, एक प्लेट को चिन्हित कर लेते हैं, चिन्हित मार्क कर लिया मैंने, इस प्लेट पे चार्ज घटते 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 जीरो हुआ, फिर इस प्लेट पे चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, ये चार्ज मैक्सिमम था इसमें पॉजिटिव में, घटते घटते यहां, घटते 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 जीरो, फिर यहां से नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा, बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटने लगा नेगेटिव में, घटते 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 जीरो, फिर बढ़ा, बढ़ते 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 मैक्सिमम, चार्ज भी तो ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज की भी इक्वेशन लिखोगे तो साइनसोइडल कर्व बनेगा इसका भी, चार्ज भी तो किसी भी प्लेट पे, इस प्लेट पे देखो, शुरुआत में नेगेटिव में मैक्सिमम है, घटते 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 जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव में बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर पॉजिटिव से फिर घटने लगा, घटते 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 जीरो, फिर नेगेटिव बढ़ा, नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, चार्ज भी तो प्लेट पे ऑसिलेट कर रहा है, यहां मैक्सिमम है फिर कम हुआ फिर जीरो हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में खुला फिर मैक्सिमम हुआ फिर कम हुआ फिर जीरो हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में खुला बढ़ा फिर मैक्सिमम, चार्ज इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एंड यू नो व्हाट, इवन करंट इज ऑसिलेटिंग, आई विल शो यू सर, इट शो, हाँ आई नो दैट, हाँ ठीक है, चलो अब लिखते हैं बातें, बहुत हुई फील, छाप लिया, आला रे आला, ई तुम ही हो मैं भी हूं पासा हो तो कह दूं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए देखो जीवन में। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो, एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर।
if there is no loss of energy, if there is no loss of energy, then total energy must be constant. यही वाला देन होगा ना THAN वाला, क्या होगा बच्चों तुम्हारा, must be constant, net energy must be constant. तो energy का expression लिख रहा हूं मैं, पहले डायग्राम के हिसाब से energy अगर capacitor में तो Q naught square by 2C, अगर पूरी energy inductor में चली गई तो half L I naught का square, और कहीं जैसे कई डायग्राम थे जिसमें एनर्जी दोनों में थी, तब आप क्या लिख सकते हो, Q स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ एल आई स्क्वायर. अब इसमें न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है बड़े आसानी से, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, ये चीज आगे हम प्रूफ भी करेंगे आज, अभी तो लिख लो, ये प्रूफ भी कर देंगे कि टोटल एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट. अगर कैपेसिटर में एनर्जी है पूरी पूरी, जिस टाइम क्या है करंट जीरो है तब एनर्जी ये होगी, अगर चार्ज जीरो है तो ये होगी, और अगर दोनों में से कोई जीरो नहीं है तो एनर्जी बटी होगी दोनों में, अभी ऑसिलेट कर रही है यहां से इधर जा रही है या उधर से इधर आ रही. थर्ड, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन एनी प्लेट ऑफ कैपेसिटर, छिछी चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो ऑसिलेट्स फ्रॉम, बताना चाहोगे, प्लस क्यू नॉट से जीरो और जीरो से माइनस क्यू नॉट से जीरो और जीरो से प्लस क्यू नॉट, ये भी ऑसिलेट करेगा, एनर्जी भी और चार्ज भी, और करंट भी ऑसिलेट करता है, वो भी दिखाएंगे, लिख नहीं रहे उसको, नोट करें इतना, ये याद रखना, ये आपको यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कोई पर्टिकुलर टाइम पे दे देगा कि बताओ इस टाइम करंट इतना है तो चार्ज कितना होगा, है ना, कहीं आपको सर्किट बना के दे दिया, एलसी ऑसिलेटर, सिम का सर्किट दे दिया, एलसी ऑसिलेटर दे दिया आपको, आपसे बोल दिया कि इस टाइम सर्किट में करंट की वैल्यू कुछ आई है तो आपसे बताओ कैपेसिटर में कितना चार्ज है, कुछ नहीं करना, इस एनर्जी को निकालना और इसको इससे या इससे इक्वेट कर देना, जो भी चीज आपको पता हो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम चार्ज, नोट करें. कुछ कुछ एसएचएम वाला फीलिंग नहीं आया आपको, एसएचएम कहां पड़ा था सर, वो तो छोड़ दिया था, वो गंदा था चैप्टर, उसमें गोला गोला बना था और वो स्प्रिंग स्प्रिंग डिंग डिंग डिंग, वो तो छोड़ दिया, एसएचएम नहीं दिख रहा है. देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी है, पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बीच में पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, ऑसिलेशन भी हो रहा, छोड़ दिया था ना, आने वाला है अभी, बिठा रहे चाप लो, देने वाला जब भी देता है, देता है छप्पर फाड़ के, किति किति कितना है, किति किति कितना है, कितना दिखते ना दिखते ना, नोट कर लिया, चलो. देने वाला जब भी देता है, देता है छप्पर फाड़ के, किति किति कितना है, किति किति कितना है, दिखते ना दिखते ना दिखते ना. आओ अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे चार्ज की और करंट की, ठीक है ना, प्रूफ भी कर देंगे एनर्जी कांस्टेंट रहती, आराम से आओ. कहानी की शुरुआत हुई उस कैपेसिटर से जो कि चार्ज था, यहां प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, और इस सर्किट में अभी करंट कितना था, जीरो था. कहानी फिर से देख रहे हैं, ये हमने क्लोज किया था t इज इक्वल टू जीरो पे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें करंट आ जाएगा, वैसे तो तुरंत करंट आएगा बहुत सारा, पर इंडक्टर महाशय की वजह से करंट धीमे 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 से मेरी जिंदगी में आना, मेरी पढ़ाई को बर्बाद करके चली जाना है. हाँ, तो धीमे धीमे चार्ज कम हो गया और धीमे धीमे करंट बढ़ रहा है, धीमे धीमे करंट बढ़ रहा है, चार्ज घट रहा है करंट बढ़ रहा है, ये करंट को अपोज कर रहे हैं. बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, चार्ज घट रहा करंट बढ़ रहा. अच्छा, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन उठा के आओ इक्वेशन लिखते हैं चार्ज की. तो यार ये लेना तो गलत हो जाएगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे लेते हैं, मान लेते हैं अभी
एट टाइम टी कहानी यहां पहुंची है। बढ़ते बढ़ते इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चार जीरो हो जाएगा, करंट मैक्सिमम चलती रहेगी कहानी, हमने कोई एक इंस्टेंट में कहानी पकड़ ली और यहां पे हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं। एक काम करते हैं, इस लूप में, इस क्लोज्ड लूप में हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ एंगल का नियम, किरचॉफ लूप लॉ, पढ़ा था वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, क्या बोलते थे, क्लोज लूप में समीशन ऑफ डेल्टा वी जीरो होगा। तो क्लोज लूप का कोई डायरेक्शन चूज कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे, मैंने ये चूज किया है एंटी क्लॉकवाइज। कैपेसिटर में देखो आप कहां से कहां चले, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, लोअर से हायर पोटेंशियल में गेन। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस में, प्लस क्यू बाई सी, हाँ भूल तो नहीं गए, कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता था, क्यू बाई सी, Q is equals to CV, याद आया। तो कैपेसिटर में पोटेंशियल प्लस क्यों लिया, क्योंकि लूप का डायरेक्शन देखो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी गेन इन पोटेंशियल, और इंडक्टर में आप कहां से कहां जा रहे हैं, वो प्लस से माइनस यानी पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, याद है ना किरचॉफ लॉ में कभी प्लस रहते थे कभी माइनस, अगर प्लस से माइनस जाओ मतलब फॉल इन पोटेंशियल, हायर से लोअर। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, छिछी ये क्या सर, अरे ये है क्या, अरे याद नहीं इसका ईएमएफ कितना होता था, एल डी आई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता था, एल डी आई, तो ये माइनस में ले लिया, ये प्लस, आप लूप का डायरेक्शन उल्टा कर लो, दूसरा प्लस दूसरा माइनस, खैर ये बना हमारा इक्वेशन, ठीक है बहुत बढ़िया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो जरा, हम करंट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम करंट को dq by dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट यहां थोड़ा सा चेंज है, क्यों, क्योंकि यहां पे चार्ज डिक्रीज कर रहा है, यहां पे चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो हम dq by dt ना लिख के हम लिखेंगे करंट इज इक्वल्स टू माइनस dq by dt, भाई चार्ज ऑलरेडी गिर रहा है तो करंट हम क्या लिखेंगे, माइनस dq by dt, चार्ज बढ़ता है तो dq by dt, और चार्ज क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस dq by dt, भाई इसको पॉजिटिव चाहिए हमें, ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, ये क्वांटिटी हमको ओवर, हमने करंट इस तरफ मान लिया ना, तो इस तरफ करंट हमारा पॉजिटिव करंट है, ऐसे dq / dt रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि dq क्या है, नेगेटिव, चार्ज घट रहा है इसलिए माइनस लगाया। अच्छा जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, di / dt चाहिए ना हमें, अरे समझ में नहीं आया अभी, देखो करंट dq / dt सही है चलता है, बट करंट इस तरफ आप मान चुके हो पॉजिटिव, उसी के लिए इक्वेशन लिखे हो, और dq / dt करोगे तो करंट नेगेटिव हो जाएगा, इक्वेशन गलत हो जाएगी, इसलिए माइनस लगा दिया क्योंकि चार्ज घट रहा है, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, di / dt इधर क्या होगा, डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, माइनस d2q / dt स्क्वायर, बोलो सही, डबल डिफरेंशिएशन d2q / dt स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के वहां पुट कर दो, q / c माइनस l di / dt जगह माइनस d2 square q / dt square is equals to 0, minus minus will become plus, so it will be ऐसे लिख सकते हैं l d2 q / dt square plus q / c equal to 0, l d2 q / dt square plus q / c is equals to 0, पूरी इक्वेशन को l से डिवाइड कर दो, तो बनेगा d2 q / dt square प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल, घबराने की जरूरत नहीं है रे बाबा रे, आ जाएगा, देखो घबरा जाए क्या लिखा है, अरे सिंपल मैथ्स लगाई ना अभी तक, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो, यहां पे आके रुक जाओ, फिर यहां से आगे बात करते हैं, पहले इतना अच्छा क्या किया हमने, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस सर्किट को देखा, जब इस पे चार्ज घट रहा है करंट बढ़ रहा है, हमने ये करंट का डायरेक्शन चूज किया, हमने लूप बनाया, किरचॉफ लॉ लगाया, किरचॉफ लूप लॉ, हमने कहा यहाँ माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल में गेन, Q by C होता है इसमें पोटेंशियल कैपेसिटर में, और यहाँ पे प्लस से माइनस पोटेंशियल में फॉल, माइनस एल डी आई बाई डी टी, हमने करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, पर क्योंकि हमें अब करंट पॉजिटिव चाहिए, डायरेक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और डी क्यू हमें पता है घट रहा है, नेगेटिव है करंट घट रहा है तो डी क्यू तो नेगेटिव आएगा, चार्ज घट रहा है, हमने माइनस लगाया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट हुआ, इसकी वैल्यू यहां रखी, ये इक्वेशन बनी, एल से डिवाइड किया, यहां तक छापो फिर आगे बात करें, यहां तक छापो फिर आगे बात करें, दिस इक्वेशन विल लेड यू टू, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ करना, बढ़िया ऐसे अच्छा की इक्वेशन है बच्चों, छापो पहले यहां तक, कई लोग की सांस रुक गई है, क्या करेंगे अब, हम ब्लेड ले आए हाथ काटने के लिए, अब क्या करेंगे सर,
अरे आ जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहा, समझा देंगे। छापो। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, डोंट टेक टेंशन। मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, छापा। कोई दिक्कत, माइनस क्यू बाई सी, सॉरी प्लस क्यू बाई सी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस एल बी डी आई बाई डी टी, माइनस क्यू क्योंकि प्लस से माइनस, इसमें ईएमएफ कितना होता है इंडक्टर में, एल डी आई बाई डी टी, उसके डी आई बाई डी टी, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ा, वहां चिपका दिया, मिटा रहे। अब ये जो इक्वेशन लिखी है इसी को कॉपी करेंगे, इसी क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, के आया है, रे बाबा रे, आया है डी, छी आया है डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्वेश्चन आई है, पता है चार्ज ना ऑसिलेट कर रहा है, यही बात प्रूव हुई और कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्लस वन बाई एल सी Q. मैं आपको SHM की इक्वेशन याद दिलाता हूं, क्लास 11th की डिफरेंशियल इक्वेशन SHM, d2x upon dt square plus omega square x is equals to zero। ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, सी d2q हो गया d2x की जगह, वहां पे x है यहां पे q, ये ओमेगा वहां पे कांस्टेंट होता था, यहां 1 बाय lc भी कांस्टेंट, 1 बाय lc इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM होती थी, SHM याद है, डर 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 डर, हां। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता था, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता था, बस उसी को चिपक के पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन आता था वो होता था x is equals to x not sin ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स नॉट होता था वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा होता था फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या उसी को कॉपी करके अगर हम यहां लिखें, वहां x की इक्वेशन बनी, यहां किसकी बनेगी, q की, q इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, q नॉट साइन, अच्छा इस पूरी क्वांटिटी को ओमेगा बोल दें, ओमेगा स्क्वायर। अरे देखो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर x, इसको ओमेगा स्क्वायर पकड़ लो, तो हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, घबराने की जरूरत नहीं है। वॉट इज क्यू नॉट नाउ, मैक्सिमम चार्ज, वहां पे भाई डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां चार्ज की बात हुई तो मैक्सिमम चार्ज। एंड व्हाट इज ओमेगा इन दिस इक्वेशन, भाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, सो ओमेगा विल बी 1 बाय अंडर रूट एलसी। देख इसकी जगह यहां पे ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ना, मतलब ओमेगा स्क्वायर इसको हम समझ सकते हैं, यानी ओमेगा वन बाई रूट। अच्छा अच्छा इसको रेजोनेंस से मत कंपेयर करना, कोई लेना देना दूर दूर तक इसका रेजोनेंस से नहीं है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहां पे भी वही एक्सप्रेशन आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी, नो रिलेशन विथ रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन एक जैसी लग रही थी, d2q by dt square, d2x by dt square plus 1 by lcq omega square x, और यहां पे q, यहां पे q, यहां पे x, यहां पे x, हमने कहा omega square, ये मान लेते हैं, ये अगर उसकी इक्वेशन वो, तो इसकी इक्वेशन ये, जनरल सॉल्यूशन होता है SHM का, क्या होता है, अरे बोल भाई, जनरल सॉल्यूशन। अब बात आता है ये फाई क्या चीज है, कैसे निकलेगा, फाइव को हम बोलते थे इनिशियल फेज, छोड़ो यार तुम, हम ऐसे ही निकाल देते हैं, तुम छोड़ो नाम हम लिखे, क्या करना अपने पास, अच्छा थोड़ी हाँ इनिशियल कैसे निकलेगा, सुनो जब टाइम जीरो था तब चार्ज कितना था, मेरे को बता दो, कसम है तुम्हें एलसी सर्किट की, जब टाइम जीरो था तब चार्ज कितना था मैक्सिमम,
सो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, हमारी कहानी में चार्ज कितना था क्यू नॉट। कहानी कहीं से भी शुरू होती है, सकती है, कोई हो सकता था बीच से कहानी स्टार्ट करे, जब सारी एनर्जी इंडक्टर के पास, तो किस अपने अपने चॉइस है। हमने यहां वाली कहानी ली है जब टाइम जीरो है तो चार्ज मैक्सिमम, एनसीईआरटी भी यही कहानी पकड़ी है, तो हमने भी कहानी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट पुट कर दो, टाइम को जीरो रख दो, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट रख दो। ये तो जनरल इक्वेशन ना, ये देखो ये इक्वेशन बता के मैं समझा के जाऊंगा, ये इक्वेशन बता रही किसी गिवन टाइम टी पे कितना चार्ज होगा, यहां टाइम की वैल्यू पुट करोगे चार्ज आंसर, इसमें तुम टाइम की वैल्यू डाल दोगे करके अपने आप चार्ज आ जाएगा कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो हमें एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि जब टाइम जीरो है तब चार्ज क्यू नॉट है, आउटपुट करते हैं, तो चार्ज की जगह रखा क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन टाइम जीरो, ये टर्म जीरो फाई, इससे तुम्हें फाई का वैल्यू मिलने वाला है, फाई तो नहीं पता था ना, इनिशियल फेज बोलते हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, वन इज इक्वल टू साइन फाई, यार साइन फाई वन है यानी फाई कितना है 90 डिग्री, फाई बाई टू मिल गया, लो खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म, समझ में आया। इसको बोलते हैं इनिशियल फेस, और इसको निकालने का तरीका होता है कि कोई कंडीशन आपके पास गिवन है, अगर कंडीशन नहीं है तो ये एसएचएम में निकल नहीं पाता। कंडीशन ये थी कि जब समय जीरो था सारा चार्ज कैपेसिटर पे था, तो हमने टाइम को जीरो रखा क्योंकि ये इक्वेशन है जिसमें टाइम की वैल्यू डालते ही चार्ज आ जाता है कितना चार्ज। तो मेरा जब टाइम जीरो है तो चार्ज क्यू नॉट है रखा और उसकी हेल्प से फाई पता चल गया। अब आप फाइनली इक्वेशन चार्ज की बना सकते हो, कहां बनाऊ यहां बनाऊ, अब आप फाइनली चार्ज की इक्वेशन बना सकते हो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। व्हाट इज ओमेगा, 1 बाई रूट एल सी, साइन 90 प्लस थीटा, ये तो cos थीटा होता है, तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट cos ओमेगा टी, बोलो सही, साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। सो फाइनली यू गेट चार्ज इक्वेशन, देखो साइनसोइडल आया कि नहीं, cos का कर्व, यानी जो चार्ज है वो ऐसे 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 वैरी कर रहा, जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा टी, नोट करें यहां तक, फिर करंट इक्वेशन पे आते हैं और इनका ग्राफ बनाते हैं, छापे पहले से। हाँ भाई नोट कर लिया, ये छाप ले इसको पॉज करके, कुछ नहीं मतलब था, ये इक्वेशन समझनी थी घुमा फिरा के, दिखाना था कि एसएचएम हो रहा है किसका, चार्ज का जो वेरिएशन है, चार्ज का जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर है, मतलब कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी के टर्म्स में हो रहा है, अभी के लिए इतना छाप लिया, और इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है, छाप लिया, ओके। So finally we are getting that the equation for charge is q is equals to q naught cos omega t, where omega is equals to 1 by root lc, provided, सुन लो ध्यान से, हमेशा यही equation बनेगी, इसकी कोई guarantee नहीं है, where omega is equals to 1 by root lc and at t is equals to 0 q is equals to q naught, जब ये वाली कहानी हो, जब कहानी यहां से स्टार्ट हुई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तब ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज अगर आप पूछोगे सर क्या लिखे हैं, तो ये इक्वेशन हमेशा सही है, q is equals to q naught sin omega t plus phi। मान लो एग्जाम्पल, मान लो अच्छा सवाल आया और कहानी यहां से स्टार्ट हुई तीसरे वाले डायग्राम से, जब कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया था, मान लो किसी ने कहानी यहां से स्टार्ट की t is equals to zero पे q is also zero, तो पुट कर दो q की वैल्यू जीरो, q not sin phi, ये जीरो, sin phi की वैल्यू जीरो, यानी phi भी जीरो, phi को जीरो रखो, q के का क्या इक्वेशन आ रही है q is equals to q not sin omega t, तो ये भी हो सकती है q की इक्वेशन, ये भी हो सकती है, सिंपल हार्मोनिक इन नेचर आएगा, साइन का कॉस का ही इक्वेशन मिलेगा, बस यही बता सकते हैं। अगर यहां से कहानी स्टार्ट होती कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज था और सारी एनर्जी किसके पास थी, इंडक्टर के पास, अगर वहां से कहानी स्टार्ट होती तो ये चार्ज की इक्वेशन आती, ये जनरल इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है एसएचएम की, उसके बाद कंडीशनल होती आगे की इक्वेशन,
टाइम को जीरो रखा तब चार जीरो था मान लिया, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। समझाने के लिए बताया था कि अगर सवाल आता है हम इसी को लेके चलेंगे। और करंट की इक्वेशन निकालते हैं, I is equals to minus dQ by dt, क्योंकि जिस सिचुएशन को हमने लिया है उसमें चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे Q नॉट बाहर रहेगा, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin ओमेगा t, और साथ में ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां माइनस भी लगा हुआ ये वाला, ये माइनस यहां आया Q नॉट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे Q नॉट cos ओमेगा माइनस sin ओमेगा t, ओमेगा से मल्टीप्लाई, यानी यू आर गेटिंग I इज इक्वल्स टू, अब प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, Q नॉट ओमेगा sin ओमेगा t। यार ऐसे तो नहीं अच्छा लगा, हमें तो वैसे पसंद है I is equals to I not sin omega t। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को हम I not मान लेते हैं, इस पूरे को I not, तो I is equals to I not sin omega t। लो, करंट की इक्वेशन भी आ गई sinusoidal, चार्ज की इक्वेशन भी आ गई sinusoidal curve, where I not is equals to Q not omega, I not is equals to Q not omega and omega is 1 by root LC। इसको आप एनर्जी की इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है, एनर्जी कैपेसिटर में कितनी थी Q not square by 2C, और पूरी एनर्जी अगर इंडक्टर में चली गई तो कितनी हो जाएगी half L I not का square। बोलो सही है, समझ में आ रहा, जब कैपेसिटर में अगर पूरी एनर्जी है करंट जीरो है, करंट जीरो तो एनर्जी इतनी होगी, अगर सारी एनर्जी इंडक्टर में चली गई तो इतनी हो जाएगी। इनको कंपेयर कर लो, 2 से 2 मर गया, यहां से I नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन LC, बोले यार I नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन LC, यहां से I नॉट इज इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 1 बाय रूट LC, और 1 बाय रूट LC को क्या बोल रखा है ओमेगा, सो I नॉट इज इक्वल्स टू Q नॉट ओमेगा। तो तुम जहां से भी पकड़ोगे, कान तो पकड़ना ही पड़ेगा, ऐसे पकड़ो यहां से, कान ही वही आएगी, यहीं से बता दिया, हमें आदत है ना ऐसे देखने की I is equals to I not sin, हमने इसको I not मान लो, where I not is Q not omega, मैंने यहां से प्रूफ कर दिया कि हाँ माना नहीं है, है भी मैक्सिमम करंट की वैल्यू यही आएगी। कैसे, हमने कहा जब एनर्जी पूरी कैपेसिटर में तो ये, और वही एनर्जी जब इंडक्टर में गई तो ये बनी, हाफ हाफ कैंसिल हुआ, I not square is equals to Q not square by LC, I not is equals to Q not upon 1 by root LC, 1 by root LC omega। छापो, ये बनी करंट की इक्वेशन, ये बनी चार्ज की इक्वेशन। ध्यान देना, ये सब तब हो रहा है जब टाइम जीरो पे चार्ज मैक्सिमम है। छापे सारा, आइए इसका ग्राफ बनाया, मिटार के ग्राफ बनाया जाए। ओ आओ इसका ग्राफ देखते हैं, पहले चार्ज ग्राफ बनाते हैं, क्यू वर्सेस टी। बच्चों कॉस का ग्राफ है, अब इसमें हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कॉस का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है, कॉस का ग्राफ q इज इक्वल्स टू q नॉट cos ओमेगा t है ना, q इज इक्वल्स टू q नॉट cos ओमेगा t। तो यार cos ग्राफ या तो एक्सिस के ऊपर से बनता है या तो नीचे से, ये पॉजिटिव है तो एक्सिस के ऊपर से यहां से बनेगा, ठीक है, इंटरवल से लेते हैं 1 2 3 4 पांच, अच्छे अच्छे पास हो गए, छः छः सात, ठीक है, कुछ इंटरवल्स बना लेते हैं, तो देखो कॉस का ग्राफ हमेशा एक्सिस के ऊपर या नीचे से स्टार्ट होता है, तो अगर आपने कहानी समझी हो तो चार्ज मैक्सिमम t इज इक्वल्स टू जीरो पे था, तो यहाँ क्यू नॉट पे रहेगा, फिर होते होते चार्ज जीरो हो गया था, तो चार्ज जीरो हो जाएगा एक ऐसे, ये बनेगा कुछ ग्राफ ऐसा, ठीक है, कॉस का ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा कॉस का कर्व, ठीक, यहां पे टाइम हुआ t बाय 4, यहां पे टाइम हुआ t बाय 2, यहां पे टाइम हुआ 3t बाय 4, यहां पे टाइम हो गया t, यहां पे टाइम हो गया हमारा
मतलब एक टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब आगे चलने लगे हम, ये हो जाएगा आपका 1.25t, ठीक है, 5t by 4 बोल सकते हो, 5t by 4, ये हो गया हमारा 1.5t, यानी 6t by 4, ये हो गया अपना 7t by 4, and so on and so on, ये हो जाएगा अपना 8t by 4, है ना, मतलब 2t एक तरह से, ऐसे समय बढ़ता जा रहा है। शुरू में चार्ज कैसा है, मैक्सिमम, उसके बाद जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ नेगेटिव में, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ पॉजिटिव में। अगर हम करंट का ग्राफ बनाए तो बच्चों साइन का कर्व, बच्चों साइन का कर्व, ठीक है, साइन का कर्व देखते हैं, साइन का कर्व एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जीरो एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे, तुम्हें एक चीज बहुत ही ऑब्वियस हो रही होगी, क्या कि जहां पे चार्ज मैक्सिमम है वहां पे करंट जीरो, जहां पे चार्ज जीरो है वहां पे करंट मैक्सिमम, जहां पे चार्ज मैक्सिमम है वहां पे करंट जीरो, जहां पे चार्ज जीरो है वहां पे करंट मैक्सिमम, यही बात मैं कर रहा था, देख जहां पे चार्ज मैक्सिमम है वहां पे करंट जीरो, जब चार्ज मैक्सिमम हो गया तो सारी एनर्जी कहां पे है, कैपेसिटर में, तो करंट जीरो हो गया और इंडक्टर में एनर्जी जीरो, हाफ एल आई स्क्वायर जीरो, सारी एनर्जी कैपेसिटर, और जब चार्ज जीरो है तो कैपेसिटर की एनर्जी जीरो, सारी एनर्जी इंडक्टर में, तो करंट मैक्सिमम, क्लियर है, आउट ऑफ फेज है दोनों, बट ये सारी बातें ट्रू है आइडियल प्योर एलसी सर्किट में, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशंस नहीं निकल रही जो कि पॉसिबल नहीं है, नोट कर लें, छाप लिया, पॉज करके छाप लें, बहुत बढ़िया, मिटा रहे इसको, बहुत बढ़िया। ये आइडियल सिचुएशन में था, अदरवाइज क्या होगा कि धीमे धीमे एनर्जी खत्म हो जाएगी, अदरवाइज अगर रियल सिचुएशन में, अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं ये ग्राफ बनाऊं, तो बच्चों प्रैक्टिकल सिचुएशन में चार्ज का ग्राफ विथ टाइम कुछ ऐसा बनेगा, चार्ज मैक्सिमम से ऐसे, समझ लो कि चार्ज धीमे धीमे घटता 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 जीरो, कहां गई सारी कैपेसिटर की एनर्जी, इंडक्टर में गई, फिर कैपेसिटर में आई, फिर इंडक्टर, और धीमे धीमे कम होती जा रही है, कुछ रेजिस्टेंस में वेस्ट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकल रही है, तो प्रैक्टिकल ग्राफ ऐसा होगा, बट आइडियल जो हमने बनाया, क्लियर है, आइए इसको छाप लीजिए, एक सवाल कराते हैं, चलिए सवाल है, प्रूव दैट इन केस ऑफ, प्रूव दैट इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, बच्चों फ्री ऑसिलेशंस मतलब प्योर एलसी सर्किट, जहां कोई बाधा नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेडिएशंस नहीं हो रही, फ्री ऑसिलेशन मतलब प्योर एलसी, आइडियल एलसी सर्किट, इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ एलसी, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, है ना, फ्री मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं, और जो लॉस वाला मैंने दिखाया ना अभी घटता हुआ चार्ज, उसको बोलते हैं डैम्ड ऑसिलेशन, लिख लो DAMPED, डैम्ड ऑसिलेशन, अभी फ्री ऑसिलेशन की बात हो रही है, प्रूफ करो कि एनर्जी कॉन्स्टेंट है,
तो हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस सर्किट को उठा लेते हैं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। आइए देखिए, हमने किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उठा लिया, यहां पे चार्ज प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, करंट ऐसे जा रहा एट टाइम टी, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टर एल। इस इंस्टेंट पे आओ, इसकी एनर्जी देखें सर्किट में। हम मान लेते हैं चार्ज अभी डिक्रीज कर रहा, करंट अभी इंक्रीज, सेकंड वाला डायग्राम, चार्ज घट रहा है करंट बढ़ रहा है। इस टाइम अगर हम एनर्जी देखें तो कैपेसिटर में एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और इंडक्टर में एनर्जी देखें तो कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। बोलो सही है? ये वही वाली कहानी ली हमने जब t इज इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज कितना है क्यू नॉट, जो कहानी का आज डिस्कशन हो रहा, और थोड़े टाइम बाद एट टाइम t चार्ज घट के इतना हुआ, करंट बढ़ के इतना। जरा मुझे बताओ चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, चार्ज की इक्वेशन होगी q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा t, और करंट की इक्वेशन होगी i इज इक्वल्स टू i नॉट साइन ओमेगा t। यहां पुट कर देते हैं ये, तो ये हो जाएगा q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t अपॉन 2c, और ये हो जाएगा बोलो हाफ l i इज इक्वल्स टू क्या है भाई इस केस के लिए, तो यही इक्वेशन बन रही है ना, जब टाइम जीरो पे चार्ज क्यू नॉट है, टाइम टी पे चार्ज घट गया करंट बढ़ रहा, करंट की इक्वेशन i इज इक्वल्स टू, सो i नॉट का स्क्वायर, बोलो समझ में आ रहा है, i इज इक्वल्स टू i नॉट sin ओमेगा t, क्लियर है? आइए दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दिया जाए किसी भी इंस्टेंट पे। अगर मैं कहता कि यहां पे पूरा चार्ज है तब तो फिर अपने आप प्रूफ हो जाता है, या पूरा करंट मैक्सिमम तो प्रूफ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब एक जनरल सॉल्यूशन। आओ तो इसको उठाते हैं, कितना है q नॉट स्क्वायर बाय 2c cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस हाफ l i नॉट का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। यार i नॉट की वैल्यू क्या आई थी, q नॉट ओमेगा है ना, तो वहां पुट करते हैं q नॉट स्क्वायर बाय 2c cos स्क्वायर ओमेगा t हाफ l i नॉट की जगह q नॉट ओमेगा, q नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। ओमेगा की वैल्यू क्या थी यार, ओमेगा की वैल्यू थी 1 बाय रूट lc, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय lc, सो q नॉट स्क्वायर बाय 2c cos स्क्वायर ओमेगा t हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 बाई एल सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से एल एल कट गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी कॉमन हो जाएगा, सो क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी को कॉमन लिया, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी को कॉमन लिया, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी कॉमन लिया, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t कितना हो गया 1, और q नॉट देखो कांस्टेंट है, c देखो कांस्टेंट है, यानी ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट प्रूफ हो गई किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे, है ना। ओमेगा इस जगह हमने 1 / ओमेगा की जगह 1 / √ lc रखा, ओमेगा स्क्वायर 1 / lc, l l कैंसिल, q नॉट स्क्वायर / 2c कॉमन हुआ, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t 1 हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, नेट एनर्जी। तो एलसी ऑसिलेशन में इतनी ही बातें, इसके बाद बचता है ट्रांसफॉर्मर, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।